तक आपने देखा, करण की लाश बहुत ही बुरी हालत में जमीन पर पड़ी थी। राजवीर और मयंक उसको हैरानी से देख रहे थे। निहारिका अपने कमरे से गायब थी। तभी किसी ने पीछे से राजवीर के कंधे पर हाथ रखा। आगे निहारिका, तुम यहाँ कैसे? कुछ देर पहले तो तुम अपने कमरे में नहीं थी। हाँ, मैं बाथरूम गई थी, तो अपने कमरे में कैसे होती? ये लाश किसकी है? ये करण था, मेरे साथ आया वन रक्षक। ये उस जगह मुझसे बिछड़ गया था जहाँ तुम मुझे मिली थी। लेकिन इसकी अचानक मौत कैसे हो गई और इसकी लाश यहाँ कैसे पहुँची? हो सकता है ये यहाँ वापस आ रहा हो और किसी जानवर ने इस पर यही हमला कर दिया हो। तुम्हारी आँखों के सामने एक लाश पड़ी है। एक लड़की होने के बावजूद तुम्हें एक लाश देखकर जरा भी डर नहीं लग रहा? मैंने इस जंगल में अब तक कई लाशें इसी तरह देखी है, आदत हो चुकी है, आप भी आदत डाल लीजिए। कहकर वो मुड़ी और वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। मयंक और राजवीर अभी भी ये सोच रहे थे कि आखिर करण को मारने वाला जानवर कौन हो सकता है। अगर उसकी मौत इसी जगह हुई थी तो उन्हें उसकी चीख पुकार क्यों सुनाई नहीं दी? मुझे अभी सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। राजवीर ने उसी टाइम अपने हेडक्वार्टर कॉल लगाया। सर, मैं राजीव बोल रहा हूँ। बोलो राजवीर, क्या बात है? सर, वन रक्षक करण मारा गया, बहुत ही बुरे तरीके से। क्या, करण मारा गया? लेकिन कैसे? सुनकर राजीव ने उसको सब कुछ बता दिया। ठीक है, मैं अभी मदद भेजता हूँ। शिंदे, तुम अभी के अभी राजगढ़ पहुँचो। लेकिन सर, मेरा जाना वहाँ जरूरी है क्या? मैंने पहले भी कई बार नोटिस किया है कि तुम हमेशा राजगढ़ जाने के नाम पर डर जाते हो। क्या तुम एक फॉरेस्ट ऑफिसर होकर जंगल जाने से डरते हो? सर, मैं जानवरों से नहीं डरता, लेकिन उस जंगल में भूत प्रेतों का वास है। चुप हो जाओ, तुम वहाँ जा रहे हो और ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर शिंदे ना चाहते हुए भी अपने साथ एक वन रक्षक रवि और एम्बुलेंस लिए जंगल पहुँच गया। कितनी खतरनाक मौत हुई है इसकी, तुम यहाँ पर रुके ही क्यों थे? सर, मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ, अगर मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा तो और कहाँ ठहरूंगा? लेकिन रात में यहाँ रुकना सही नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ आने से पहले ही समझाया था। क्या हुआ, आप लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? तभी पीछे से एक आवाज आई और सभी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। निहारिका को देखकर शिंदे के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लगा जैसे कि उसको बहुत ही गहरा झटका लगा हो। तुम? ये निहारिका है, क्या आप इसको जानते हैं? सुनकर शिंदे ने एक लंबी सांस भरी और बोला, नहीं, मुझे लगा था मैंने देखा है, बट। कहकर उसने अपने साथ आए वन रक्षक रवि से कहा, चलो अंदर चलते हैं, हम सुबह होते ही यहाँ से निकलेंगे। ये कहकर वो चौकी के अंदर चला गया। राजवीर को उसका ये बर्ताव काफी अजीब लग रहा था और निहारिका के बारे में भी उसको अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। यार, अब चलकर सोते हैं यार, अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ये सुनकर राजवीर मयंक के साथ फिर से उसी कमरे में चला गया। वो बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन अभी भी उसकी नींद बहुत कच्ची थी। कुछ देर बाद उसको कोई शोर सुनाई दिया। वो दबे पांव बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि शिंदे रवि के साथ खड़ा निहारिका के कमरे में ताका झांकी कर रहा है। फिर वो दोनों बाहर की तरफ जाने लगे। अब राजवीर भी उनका पीछा करने लगा। शिंदे ने बाहर गार्डन से एक फावड़ा उठाया और बोला, कार में से पेट्रोल की कैन निकालो। ये सुनकर रवि ने कार से पेट्रोल की कैन निकाली और फिर दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। राजवीर भी उनका पीछा करता रहा। आखिरकार एक पेड़ के पास जाकर वो दोनों रुक गए। यहाँ खुदाई शुरू करो। ये सुनकर रवि ने उसके हाथ से फावड़ा लिया और जमीन खोदने लगा। आखिर ये शिंदे करना क्या चाहता है? थोड़ी देर खोदने के बाद जमीन के अंदर एक कंकाल नजर आया। रवि, इस पर पेट्रोल डाल दो। उसके कहने पर रवि ने कंकाल के ऊपर पेट्रोल डाल दिया और उसके बाद शिंदे ने अपनी पॉकेट से लाइटर निकाली और वो लाइटर जलाकर कंकाल पर फेंकने ही वाला था कि तभी वहाँ तेज हवा चली और लाइटर बुझ गया। अब राजवीर भी भागकर वहाँ पहुँच गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, यही सवाल तो मैं आपसे करना चाहूँगा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये कंकाल किसका है? ये कंकाल निहारिका का है।
क्या बोल रहे हैं आप, वो तो हमारी चौकी में है। वो उसकी आत्मा है जिसको तुम एक आम लड़के समझने की गलती कर रहे हो। ये सुनकर राजवीर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो कुछ कहता इससे पहले ही अचानक से तूफानी हवाएं चलने लगी और सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक हंसी फिजा में गूंजी। तो सामने निहारिका खड़ी हुई थी। निहारिका, तुम यहाँ? अब मैं लूंगी मेरा बदला इस रिश्वत खोर ऑफिसर से। इतना कहकर वो बहुत ही भयानक रूप में आ गई। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया। जंगल के पेड़ पौधे जैसे उसके वश में हो चुके थे। पेड़ों की टहनियों से जटाएं निकलने लगी और उन पर हमला करने लगी। उन जटाओं ने अपने अंदर वन रक्षक रवि को जकड़ा और उसको पेड़ के ऊपर उठा लिया। अगले ही पल वो जटाएं रवि के पेट के अंदर घुस गई और उसकी मौत हो गई। फिर निहारिका ने शिंदे का गला पकड़ लिया। निहारिका, तुम कौन हो? मुझे बताओ, तुम्हारी सच्चाई क्या है? जो कहानी मैंने तुमको बताई थी वो पूरी सच थी, लेकिन वो बात अभी की नहीं बल्कि पिछले साल की है। मैं एक साल पहले ठाकुर और गांव वालों से परेशान होकर उसी तालाब पर मरने के इरादे से आई थी। यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर था, इसने मुझे मरने से रोक लिया और दिलासा दिया कि ये मेरी मदद करेगा। लेकिन उसी रात मेरे सोने के बाद वो लड़की यहाँ मरने के लिए आई थी, तुमने उसे बचा क्यों लिया? ठाकुर साहब, अगर वह तालाब में डूब कर मर जाती तो कुछ ही दिनों बाद उसकी लाश पानी के ऊपर आ जाती, तब आप फंस सकते थे। अब हम मिलकर उसको खत्म करेंगे और उसकी लाश को जमीन में दफन कर देंगे। ये बातें मैंने सुन ली थी। मैं चौकी से उसी टाइम भाग गई, लेकिन इन दोनों ने मेरा पीछा किया और फिर दोनों ने मिलकर मुझे खत्म कर दिया। तब से ये जंगल मेरी आत्मा से शापित हो गया। मैंने ठाकुर को तो उसी रात मार दिया। अगली रात मैं इसको मारने ही वाली थी, लेकिन ये दिन में ही यहाँ से भाग गया। तब से अब तक मैं इसका इंतजार कर रही थी। तो आपके इस जंगल में ना आने की वजह ये थी। राजवीर, तुम जल्दी से लाइटर उठाओ और इसके कंकाल में आग लगा दो। ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर एक भी हड्डी बिना जले रह गई तो हम इसको नहीं मार पाएंगे। राजवीर ने लाइटर उठाया और उस खुली कब्र की तरफ बढ़ा। उसने लाइटर जलाया और निहारिका की तरफ देखा। वो अभी भी शिंदे का गला पकड़े हुए थी। राजवीर, जला दो इसको। आज ये जंगल शापित है सिर्फ आपकी वजह से। आपको इस जंगल का रक्षक बनकर यहाँ भेजा गया था, लेकिन आपने ही इसके अंदर अपने हाथों से गुनाह को अंजाम दिया। ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं एक वन रक्षक हूँ, मैं इस जंगल में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। निहारिका के साथ फिर से नाइंसाफी नहीं होगी। ये कहकर राजवीर ने लाइटर बुझा दिया और उसकी कब्र में उतर गया। उसने उसके कंकाल की हड्डियां उठाई और अलग अलग जगह उनको उछाल फेंका। नहीं, अब ये तुमने ठीक नहीं किया। अब इसको हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। निहारिका ने शिंदे को दूर फेंक दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाए और पेड़ों से फिर से कांटों वाली जटाएं निकल गई और उन्होंने शिंदे को जकड़ लिया। वो जटाएं अब किसी तीर की तरह उसके शरीर के अंदर उतर गई और उसका खून चूसने लगी। फिर एक जटा तलवार की तरह उसकी गर्दन पर चली और उसकी गर्दन दूर जा गिरी। निहारिका ने एक बार राजवीर की तरफ देखा। वो उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। अब ये जंगल हमेशा मेरी निगरानी में रहेगा। राजगढ़ हमेशा शापित रहेगा।